हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज फिर से हम लोग चलेंगे थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ, और उसमें हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात किया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उसमें हमने दो नियमों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें डॉब्रिनर के ट्रायड का नियम और न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मेंडेलीव की तरफ चलेंगे। लास्ट वीडियो में जिसमें हम लोगों ने न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के बारे में बात की थी, उसमें हम लोगों ने एक और बात बताई आपको, मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूलैंड का नियम भले ही फेल हो गया था, उसकी बड़ी सारी लिमिटेशंस थी, बड़ी सारी डिमेरिट्स उसके सामने आई, लेकिन न्यूलैंड ने एक बात बता दी, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि हर एक एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, एंड द रिपीटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट की क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी कहलाती है। अब मेंडलीव, अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसा हेडिंग भी आप देख रहे हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव कौन थे? डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे, और उन्होंने अपने जमाने में लगभग 1872 में अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, और उस समय केवल 63 एलिमेंट्स जो थे उनके बारे में जानकारी थी। देयर आर ओनली 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय केवल 63 एलिमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी थी, और उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को अपने इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। अब ये जो अरेंज करने का उनका जो तरीका था, द वे ऑफ अरेंजिंग ऑल दिस एलिमेंट्स, वो अलग था। जैसा यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, तो मेंडलीव ने क्या किया, उस समय 63 एलिमेंट जिनके बारे में जानकारी थी उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करने की कोशिश की। इस केमिकल प्रॉपर्टी को ट्रेस करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया। अभी हम लोग बात में करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल क्यों नाम दिया उन्होंने, क्योंकि इसमें क्या था, एलिमेंट अपनी पीरियोडिसिटी को शो कर रहे थे, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आकर के गिरते थे, यानी दे रिपीट देयर पीरियोडिसिटी, और क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म था, एक टेबल के रूप में था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इन्होंने एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को ट्रेस करने के लिए कोई ना कोई एक उपाय किया होगा। इन्होंने उस समय ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट किए जो कंपाउंड किसी एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं किसी के साथ में, और उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे जनरली वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना देते। तो मेंडलीव ने भी ऐसा ही किया। मेंडलीव ने क्या किया कि अपने इस पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बना दिए, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बना दिए, और ये हाइड्राइड और ऑक्साइड का एक जनरल फार्मूला लिख दिया। इसमें इन्होंने आर से एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट किया, और ओ ऑक्साइड था उनका, वैसे ही आर एलिमेंट का नेम था, और एच जो था वो हाइड्राइड था। तो यहां पे एक एक ग्रुप, यानी इनके जो पीरियोडिक टेबल था जो मेंडलीव ने बनाया था, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक वर्टिकल कॉलम्स थे, ये जो वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हो, इनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप। इन्होंने क्या नाम दिया उसको? इन्होंने उसे नाम दिया था ग्रुप। ठीक है, और जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको दिखाई दे रही है, जो लेफ्ट टू राइट चल रही है, इनको इन्होंने नाम दिया था पीरियड्स। तो ऐसे ऐसे छह पीरियड्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। कितने पीरियड्स थे? छह पीरियड थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ग्रुप कितने थे? देयर आर 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप थे उस समय। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, लेकिन ये मेंडलीव के जमाने में, उस समय एलिमेंट कौन थे, तो इसलिए पीरियड ग्रुप कितने थे? 8, और पीरियड कितने थे? 6। तो हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट होगा, जैसे यहां पे आप ग्रुप, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया है, कुछ पार्ट को आपको दिखाने के लिए यहां पे मैंने बनाया हुआ है। तो पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दूसरे में
तो ये ग्रुप है, तो एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक जैसी होगी, और इन्होंने कैसे पता लगाया, उनके जनरल फार्मूला से। अगर वो एक जैसे कंपाउंड बना रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, एक जैसी होगी। और इन्होंने कैसे ट्रेस किया, जब उन्होंने हर एक एलिमेंट जो उस समय थे नॉन एलिमेंट थे उनको एक प्ले कार्ड पे उनका नाम लिखा और एक जैसे कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स को वो लगाते चले गए, लगातार ऐसे बोर्ड पे लगाते चले गए जैसे ये हम लोगों ने लिखा है। तो उन्होंने देखा कि एक जैसे जो कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट थे वो सारे के सारे कैसे अरेंज होते चले गए, एक के नीचे एक अरेंज होते चले गए, और उसी को उन्होंने पीरियोडिक टेबल के रूप में ढाल दिया। तो इस तरीके से एक जैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी वो सारे के सारे एक ग्रुप में। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, अपना एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ। और मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कहा कि अगर एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिपीट करेगा। एलिमेंट विल शो देयर प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और कब कैसे शो कर रहा है भाई, जब उसको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगाया। तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करेगा, और यही मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल। अब जैसे यहां से देखिए, यहां पे एलिमेंट का नाम दिया है आर से और ऑक्सीजन, तो अगर एच होगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, H2O बनाता है। Na होगा तो Na2O बनता है, ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर मिलेगा तो H2 बन जाएगा और NaH बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएंगे। ऐसे ही अगर चौथे ग्रुप में चले तो कार्बन है यहां पे, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2, और जब H के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, CH4 बनाता है। यानी ये प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं उनकी मैच करते थे, और ऐसे एलिमेंट जो है एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते थे, रिपीट करते थे। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर में, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के बाद में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया पीरियोडिक, और ये टेबल के रूप में है तो इसको नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें हम एलिमेंट्स को उसकी पोजीशन के आधार पर आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, और ये बता सकते थे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन के आधार पर, यानी किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो आसानी से उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रेस कर पाते। ठीक है, ये मेंडेलीव की बात थी कि मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से बनाया कि हम आसानी से किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ट्रेस कर सके। ठीक है, तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से हम लोगों ने एलिमेंट की जनरल जो प्रॉपर्टीज थी उनको समझने में हमको आसानी मिली, और उस समय के जो भी देन नोन एलिमेंट थे मेंडेलीव ने उनको क्या किया, एक तरीके से व्यवस्थित कर दिया। अब मेंडेलीव की कुछ खास बात जिनकी वजह से हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि ये बेसिस है पीरियोडिसिटी का। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम लोग देखते हैं उसका कहीं ना कहीं जो बेस है वो कौन है, वो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल ही है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ अचीवमेंट्स थे, उन अचीवमेंट्स के ऊपर में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल ओरिजिनली यहां पे मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए हैं जिनके नाम मेंडेलीव ने छोड़ दिए थे, जैसे गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। यहां पे आप देख रहे हो ग्रुप थर्ड और फोर्थ के एलिमेंट्स हैं गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। इस जगह को मेंडेलीव ने खाली छोड़ दिया था, इस जगह को मेंडेलीव ने खाली छोड़ दिया था, और ऐसा मेंडेलीव का मानना था कि इनकी प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती है, तो उस जगह को उन्होंने खाली छोड़ दिया। और ये एक फॉरकास्टर की तरह थे, प्रिडिक्शन था उनका कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे जो इनकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो इस जगह को उन्होंने खाली छोड़ा और यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे का गैप खाली था तो उसको नाम दे दिया ईका एल्यूमिनियम। क्या नाम दे दिया, ईका एल्यूमिनियम। बोरान के नीचे का जगह खाली था तो ईका बोरान, और सिलिकॉन के नीचे का जगह खाली छोड़ा तो ईका सिलिकॉन। ईका
E-K-A, अगर हम लोग ऐसे पढ़े तो एका, एका का मतलब होता है, अगर संस्कृत वर्ड में समझे तो संस्कृत वर्ड है एका, एका का मतलब होता है प्रथम या पहले। तो कह रहा है कि ये एलिमेंट जो ये गैस छोड़ा गया गैलियम, तो इसको नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, यानी दिस इज द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी को शो करने वाला एलिमेंट है ईका बोरॉन। इट मीन्स द एलिमेंट इज शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन एंड ईका जर्मेनियम इज शो द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन, यानी उसके पहले वाले एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी को शो करने वाला है। पीरियोडिसिटी में आ रहा है तो एल्यूमिनियम के नीचे होगा तो एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, बोरॉन के नीचे होगा तो बोरॉन के जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, सिलिकॉन के नीचे होगा तो सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये उनका प्रिडिक्शन था कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो उस जगह को भरेंगे जिस जगह को उन्होंने ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन करके छोड़ा है, और आगे चल करके ईका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आ गया, ईका बोरॉन की जगह पे स्कैंडियम आ गया, और ईका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आ गया। तो इनकी ये कही हुई बातें सही हुई और जो गैप उन्होंने छोड़ रखा था उस जगह पे उन एलिमेंट्स को रख दिया गया, कोई और अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात है कि एलिमेंट को प्रॉपर्टीज को पहचानना बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, पीरियोडिसिटी को शो करते हैं तो आसानी से हम उन एलिमेंट को ट्रेस कर पाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। तीसरी बात कि पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, उस जमाने में जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो नोबल गैसेस के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जब भी नोबल गैसेस खोजे गए दे आर पुट इनटू द सेपरेट ग्रुप, उनको एक अलग ग्रुप बनाया गया और उनको रख दिया गया, और इस पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट थे वो जैसे के थे वैसे के वैसे ही उनको छोड़ दिया गया। तो इन सारे एलिमेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी और अलग से एक ग्रुप में नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट होने के बाद भी कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं, और उन कमियों के ऊपर में बात करेंगे और इन कमियों को सॉल्व करके हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम दे दिया और बताया कि कैसे हम लोग नया पीरियोडिक लॉ बना सकते हैं। तो हेनरी मोजले की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल जो एनोमलीज हैं, जो डिमेरिट्स हैं, जो लिमिटेशंस थी जिन्होंने मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक दिया, उनके आंसर्स को हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मेंडेलीव के मन में क्या चल रहा था, किस तरीके से उन्होंने इसको प्लेस किया। तो यहाँ पर लिमिटेशन की बात हो रही है, मैंने तीन हेडिंग दिया हुआ है, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट एंड पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। ये तीन एनोमलीज हैं, इनको अगर सॉल्व कर लिया तो ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहा है हमें, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड, पहले ग्रुप में और पहले पीरियड में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है एलोंग विद द एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है एल्कली मेटल्स हैं, और उन एल्कली मेटल के साथ में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या करता है किसी केमिकल रिएक्शन में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, सेम एज द एल्कली मेटल, जैसे कि सारे के सारे एल्कली मेटल्स करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का जो जनरल फार्मूला था वो R2O और RH से कहीं ना कहीं मिलता था, लेकिन कुछ लोगों को इस पे आपत्ति थी कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है एंड इट शुड नॉट बी प्लेस अलोंग विद द एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के साथ में हाइड्रोजन को प्लेस करना ठीक नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो ग्रुप 7 के एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके जैसा हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे शो करता है भाई? क्योंकि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है इनका नेचर कैसा होता है, दे आर डाई एटॉमिक इन नेचर, इनका नेचर जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। जैसे आप F2Cl2Br2 लिखते हैं वैसे ही आप मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की पोजीशन एक में होनी चाहिए कि सातवें ग्रुप में होनी चाहिए, ये एक विवाद का विषय था और मेंडेलीव इस विवाद को सॉल्व नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि मछली का कांटा गले
गले में जाके अटक जाना, तो वो इनके लिए अटक गया और इसको सॉल्व नहीं करना। दूसरा था रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट। मेंडेलीव ने पीरियोडिसिटी को शो करने के चक्कर में कुछ एलिमेंट को इधर उधर रख दिया, जैसे यहां पे आप देखेंगे यहां है फेरस, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का मास है 58.7। तो निकल को कहां होना चाहिए, कोबाल्ट की जगह पे होना चाहिए, और कोबाल्ट को कहां होना चाहिए, निकल की जगह पे होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट किया है एलिमेंट का वो किसके अकॉर्डिंग किया है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। तो 58.7 इज कमिंग फर्स्ट टू द 58.9, तो 58.7 पहले आना चाहिए, यानी निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। लेकिन इन्होंने निकल को क्यों बाद में रखा और कोबाल्ट को क्यों पहले रखा, इसका जवाब मेंडेलीव के पास नहीं था कि वो सही तरीके से इसको बता सके और समझा सके कि क्यों उन्होंने निकल को बाद में रखा। तीसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप आप लोग बताएंगे। आइसोटोप्स द सेम एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो अब इन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है, अलग अलग है। तो हाइड्रोजन एक ही जगह पे रहेगा कि तीन जगह पे रहेगा, क्योंकि इसका मास तो एक है, इसका दो है, इसका तीन है, तो बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाना चाहिए ना। वैसे ही सारे एलिमेंट जैसे कार्बन के, कार्बन 12, 13, 14 कार्बन के आइसोटोप है, ऑक्सीजन के आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, 17 आइसोटोप्स है ऑक्सीजन के, क्लोरीन के आइसोटोप, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये सब आइसोटोप्स है। तो इनकी पोजीशन को लेकर के बात हुई कि आपने एलिमेंट की पोजीशन तो बता ली, लेकिन उनके जो आइसोटोप्स है क्योंकि उनका मास ज्यादा है तो उनको अलग ग्रुप में रखना चाहिए, तो आप इसके बारे में बताइए कि उनको कहां रखा जाए, आपने क्यों एक जगह पे ही एलिमेंट के साथ उनके आइसोटोप्स को भी रखा है। अब इसका जवाब भी मेंडेलीव के पास में नहीं था। तो ये कुछ एनोमलीज आ गई मेंडेलीव के नियम के ऊपर में, और जिसकी वजह से मेंडेलीव का नियम क्या हो गया, रुक सा गया। ठीक है, तो ये तीन उनकी लिमिटेशंस थी और ये तीन अचीवमेंट्स थी उनकी। ठीक है, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। चलिए एक बार शुरू से फिर से थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट में। दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव 1872 को उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बताया। पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, इसलिए ये पीरियोडिक हो गए, और टेबुलर फॉर्म में है तो इसे टेबल कहा। एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ट्रेस करने के लिए उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का सहारा लिया, यानी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवा करके उनके जैसे जो कंपाउंड बनते थे उनको एक ग्रुप में उन्होंने रखा, जिससे एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाए। इनका पीरियोडिक टेबल दो हिस्सों में डिवाइड था, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको कहते हैं पीरियड्स। कितने पीरियड्स थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, देयर आर 6 पीरियड्स एंड देयर आर 8 ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स इज देयर, 8 ग्रुप इज देयर, ओके 8 ग्रुप्स में। अब एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को शो करते थे अच्छे से, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया था और ऐसा बताया था कि आगे चल करके इन एलिमेंट्स की खोज होगी और ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट भविष्य में खोजे जाएंगे जो खोजे भी गए। ठीक है, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, ई का बोरान, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम जैसे एलिमेंट बाद में खोजे गए। इन्होंने नोबेल गैस, क्योंकि उस जमाने में नोबेल गैस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो नोबेल गैस जब भी खोजे गए अलग से एक ग्रुप में उनको रख दिया गया। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी नोबेल गैसेस की सारे एलिमेंट से अलग होती है। हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके पीरियोडिसिटी के आधार पर। पोजीशन लिमिटेशन की बात करें तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताया, क्योंकि इनको एल्कली मेटल के साथ में रखा था क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप के साथ में मिलती है, सातवें एलिमेंट के साथ में क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में मिलती है। ठीक है, इसके साथ में इन्होंने कुछ एलिमेंट को रॉन्ग प्लेस किया, जैसे निकल को कोबाल्ट की जगह होना चाहिए, कोबाल्ट को निकल की जगह होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता पाए क्यों इन्होंने ऐसा किया है।
सॉल्यूशन को नहीं बताया। तो ये कुछ मेंडलिव के नियमों की कमियां थी जिनके ऊपर में हम लोगों ने बात की। अपने अगले वीडियो में आएंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर में बात करेंगे और जो मेंडलिव के लिमिटेशंस थे इनको कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेस आउट किया गया, खत्म किया गया और हेनरी मोजले ने क्या बताया और फिर नील्स बोर का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। टिल देन आप लोग इसको पढ़िए और जो भी चीजें लिखी हुई है उसको देख करके अच्छे से नोट करिए अपनी कॉपी में। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।